अस्सलाम वालेकुम माय न्यू शॉर्ट व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे थे बैरी यूनिवर्सिटी, हारिस आए और मैं उनके साथ सुबह सुबह का टाइम और बस मज़े और सिविक के और बस नाश्ता किया और निकल गए यूनिवर्सिटी के लिए। सो फाइनली अब पहुंच गए यूनिवर्सिटी के गेट पर, वहां पर था सिग्नल और हमने ली वहां पर एक प्यारी सी पिक्चर। इंटर होते ही हमने एक स्नैप सी बनाई और वो भी हमने इसकी वीडियो के अंदर डाल दी। स्नैप तो बाहर एक और भी बनाई थी, वो भी एंड पर डाली है। अब बस व्यू लेने के बाद इस प्यारी सी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होते ही एंट्रेंस के ऊपर ही हमें एक गुब्बारे मिले। मुझे लगा था कोई इवेंट वगैरह होगा, पर वाकई में आज बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट थी यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने देखा एक बॉल और सर सैद ब्लॉक के सामने, तो क्या व्यू नज़र आया। ये आपको पता है कि मीडिया वाले हो गए और ये सारे इन्जॉय करते रहते हैं। फिर हो गए क्लास का टाइम, क्लास ली, क्लास होते ही मैंने थोड़ा सा व्यू लिया ताकि क्लास की इन्जॉयमेंट हो जाए। और बस फिर उसके बाद क्लास लेने के बाद मैं कॉरिडोर पे आ गया। कॉरिडोर की जो वीडियो ली वो हो मज़े आ गए। यहाँ पे तो खाने की फूड स्ट्रीट बनाई हुई थी पूरी और म्यूज़िक चल रहा था जैसे कि मैं क्लब में आ गया हूँ। ये सिर्फ दो दिन फेस्टिवल था फॉर लॉ और BBA वालों के लिए। और फिर उसके बाद मैं आ गया बिज़नेस कैफ़े, बैरिया का अजीम कैफ़े का नाम से ये जाना जाता है। हाँ, बड़ा माहौल भी होता है और बड़ा मज़ा भी आता है। फिर बिजनेस कैफ़े में ये गाने वाला तो आपने सुन ही लिया होगा। फिर उसके बाद मैं आ गया बैंक ऑफ लाइन में, बैंक लाइंस के ऊपर। यहाँ पर हमारे स्टेट्स वगैरह, ये BBA वगैरह ने अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह की चीज़ें लगाई हुई थी। यहाँ पे मैंने व्यूज़ थोड़े से लिए और यहाँ पे वीडियो बनाई और इसी तरह मैं कैमरा घुमाता रहा और चलता रहा। लोग भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने इनसे कोई कर्ज़ लिया हुआ, लेकिन फिर भी क्या जाना, मैंने बनाया। यहाँ तुर्की और अमेरिका और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हिसाब से BBA वालों ने अपनी चीज़ें वगैरह सेल करने के लिए बनाए हुए थे। उसके बाद क्या था, मैंने व्यू लेने के बाद थोड़ा सा चिल किया, एंजॉय की, पौड़ी झुंडी की बाहर निकलते निकलते। और ये तुर्की वालों का था और ये था ये बांग्लादेश वालों का था आई थिंक, या साउथ अफ्रीका का था, मुझे सही याद नहीं है जो इन्होंने मुझे बताया था। और अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान, ये अमेरिका वालों ने बिस्किट सेल कर रहे थे और यहाँ पे अमेरिका वालों ने बिस्किट और केक रख रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वालों ने एक सिंधी कल्चर को सपोर्ट किया हुआ था और इन्होंने नीचे एक प्यारा सा लिखा था डाडो मज़ो आया। फिर क्या था, नमाज का टाइम और नमाज के कॉरिडोर पर इतना मज़े का व्यू, हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। मैंने थोड़ा सा व्यू लिया और स्नैप बनाई। स्नैप बनाने के बाद मैं थक गया। अब मैंने कहा यार चलते हैं बाहर की साइड पर, लेकिन फिर याद आया बाहर कहाँ जाना है। थोड़ा सा दोस्तों से इंजॉय किया, ये लास्ट मोमेंट था। दोस्तों की कॉल आ गई थी, मैंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम दिया और उसके बाद हारिस की कॉल आई और फिर वापस घरों घर निकलने लगे। ओके, न्यू ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। अब घर का रूट यही था तो बस घरों घर।